एसटीएफ की टीम और हमारी जिला पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से एक तबिश दी, संयुक्त रूप से वहाँ पर गए और वहाँ पर मौके से उसको गिरफ्तार किया। नियमानुसार गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जा रहा है। जहाँ तक आपराधिक इतिहास का सवाल है, काफ़ी गंभीर मामलों में ये फरार था, जिसमें से लगभग 7-8 मुकदमों की लिस्ट अभी हम लोग के पास है और भी थाना क्षेत्रों से हम लोग उसको अपडेट कर रहे हैं। और ये काफ़ी समय से फरार था, तो निसंदेह मैं कहूँगा कि पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। सर, इनाम कितने का था? और बताया जा रहा है गैंगवार भी होती है, पिछले काफ़ी समय से हो चुके हैं इनके परिवार को लेके, और अच्छे बदमाशों में गिना जाता है। चुनाव आ रहे हैं ऐसे में, तो क्या ये पूछताछ में अभी तक में कुछ ऐसा निकला है कि चुनाव को प्रभावित करने वाले थे? देखिए, जहाँ तक आपने कहा गैंग का जहाँ तक प्रश्न है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक अच्छा और शातिर क्रिमिनल था, बदमाश था, और ये एक बड़े गैंग से जुड़ा हुआ भी है जो इस क्षेत्र का एक बड़ा गैंग है। जहाँ तक चुनाव को प्रभावित करने का सवाल है, उस बारे में मैं अभी कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अभी पूछताछ अभी बाकी है, तो अभी हम लोग पूछताछ करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि चुनाव को कोई प्रभावित करने का अभी कोई हमारे पास इनपुट था ऐसा।